हेलो, आप देख रहे हैं दिल ऑन टॉप। एक फिल्म आ रही है जिसके बारे में हम आपको बताने आए हैं, तमिल भाषा की है, नाम है सुपर डीलक्स। जैसे अपने यहाँ लव स्टोरीज और बॉम्बे टॉकीज बनी है ना, उसी तरह की फिल्म, मतलब कई कहानियों को मिलाकर ये फिल्म बनी है। इसे चार लोगों ने मिलकर लिखा है और नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म की डायरेक्टर ने बनाया है। ट्रेलर इसका आया है, बहुत ही अलग टाइप का लग रहा है। ट्रेलर देख कर कहानी के बारे में ज़्यादा कुछ बता पाना मुश्किल है, लेकिन बेसिक जो बातें वो समझ में आ रही हैं। जैसे फिल्म की कहानी, ये फिल्म चार कहानियों के बारे में है जिनकी कोई ना कोई कड़ी आपस में जुड़ती है। 2004 सुनामी के दौर वाले चेन्नई में बसी इस फिल्म की कहानी के बारे में कुछ भी कह पाना भी जल्दबाजी होगी, लेकिन ट्रेलर से कुछ चीज़ें जो साफ हो रही हैं वो है, जैसे अलग अलग कहानियों के किरदार। एक ट्रांस वूमन है जो स्ट्रगल कर रही है, एक अधेड़ उम्र की महिला है जो फिल्म के अंदर बन रही पॉर्न फिल्म में काम करती है, पॉर्न स्टार है। एक कपल है जो एक लाश के चक्कर में फंसा हुआ है, और एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो सेक्स के प्रति रुझान के चलते एक बड़े गैंगस्टर से टकरा जाता है। डेढ़ दिन में घटने वाली ये फिल्म किसी हिस्से या किस्से के दौरान आपस में टकराती है, और इस दौरान अलग अलग लोगों की लिखी चार कहानियाँ एक कैसे होती हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। ट्रेलर से लग रहा है कि ये अलग तरह की फिल्म होगी। पूरे ट्रेलर में बैकग्राउंड में एक आवाज़ चलती रहती है जो किसी आदमी के ऐसे सिचुएशन में फंसे होने की बात कहती है जहाँ से वापस आना मुश्किल है। इस बात को कई बार दोहराया जाता है, सामने अलग अलग परिस्थितियों में फंसे हुए किरदार दिख रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि कुछ अंदाज़ा लगे कि आगे क्या होने वाला है, ट्रेलर खत्म हो जाता है। इसलिए फिल्म को लेकर एक खास तरह की दिलचस्पी बनी हुई है। अब बताते हैं आपको कि इसमें कौन कौन काम कर रहा है। विजय सेतुपति फिल्म में एक शिल्पा नाम की ट्रांस वूमन का रोल कर रहे हैं। विजय तमिल इंडस्ट्री में अपने किरदार और फिल्मों के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाने जाते हैं। वो पिज्जा इरेवी और विक्रम वेढ़ा जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। पौंसा लीला का रोल कर रही हैं, बाहुबली में राजमाता शिवगामी का किरदार निभा चुकी राम्या कृष्णन। राम्या के मुताबिक कि उनके करियर के सबसे मुश्किल किरदारों में से एक था, उन्हें एक शॉट के लिए 37 से ज़्यादा रीटेक देने पड़े जिसमें 2 दिन लगे। इस कहानी के अगले किरदार हैं सामंथा और फहाद फाजिल जो मिलकर कपल बनते हैं। स्टूडेंट्स के रोल में कुछ नए लड़के हैं, और इन सबको सपोर्ट करने के लिए मिस्किन गायत्री और भागवती पेरूमल जैसे एक्टर्स भी फिल्म में काम कर रहे हैं। किसने बनाई है ये फिल्म? सुपर डिलक्स को डायरेक्ट किया है त्यागराजन कुमार राजा ने। त्यागराजन इससे पहले अरण्य कांडम नाम की चर्चित फिल्म बना चुके हैं। उनकी इस फिल्म को नेशनल अवार्ड्स में बेस्ट फर्स्ट फिल्म डायरेक्टर और एडिटिंग का अवार्ड मिला था, और उसके बाद उन्होंने एक एड फिल्म बनाई और एक आध गाने लिखे। कई स्क्रिप्टों पर भी काम करते रहे। 2011 में रिलीज हुई अरण्य कांडम के बाद ये उनकी दूसरी फिल्म है। ये फिल्म बनाने का आइडिया उनको कहाँ से आया ये बताते हैं हम आपको। अपनी दूसरी फिल्म बनाने के लिए त्यागराजन एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे। उस फिल्म को वो बड़े लेवल पर बनाना चाहते थे, लेकिन फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से वो नहीं बन पाई। इसी दौरान त्याग ने 2000 में आई फिल्म द सर्कल देखी। इस फिल्म का नैरेटिव एक किरदार से दूसरे पर शिफ्ट हो रहा था, और अलग अलग कहानियां फिल्म में जुड़ती चली जा रही थी। ये देखकर त्याग का दिमाग भन्ना गया। उन्हें लगा कि जब एक ईरानी डायरेक्टर इतने कम बजट में और इतनी सेंसरशिप के बावजूद ऐसी फिल्म बना सकता है, तो वो क्यों नहीं बना सकते। इसके बाद त्यागराजन ने कुछ नोट्स बनाए और 4 अलग अलग राइटर्स को लिखने को दे दिए। हालांकि उनके पास सभी सीन्स की डिटेल थी, लेकिन अलग अलग नज़रिए से लिखी गई 4 कहानियों को साथ वो एक फिल्म में बनाना चाहते थे जो सुपर डीलक्स नाम से बनी है। अब आपको बताते हैं कि इस फिल्म से अनुराग कश्यप का क्या कनेक्शन है। अनुराग कश्यप ने फिल्म का ट्रेलर ट्वीट करते हुए लिखा कि उन्हें इस फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने वो मौका गंवा दिया। इस बात का उन्हें अफसोस है। दरअसल हुआ ये था कि त्यागराजन ने जिन 4 लोगों को कहानी लिखने को दी थी उनमें एक अनुराग कश्यप भी थे, लेकिन अनुराग बॉम्बे वेलवेट के पिटने के बाद ये फिल्म नहीं करना चाहते थे। बाद में वो कहानी खुद त्यागराजन कुमार राजा ने लिखी। पूरी तरह से चेन्नई में शूट की गई ये फिल्म 29 मार्च को सिनेमाघरों में लगेगी।
तब तक आप फिल्म का ट्रेलर गूगल करके देख लीजिए और हमें कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि आपको ट्रेलर देखकर क्या क्या लग रहा है। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी दी ललन टॉप पर, तो हमें लाइक करिए फेसबुक पर, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे कि हम आपको बोलते हैं कि हमारी ऐप आ चुकी है एंड्रॉयड यूज़र्स, जाइए प्ले स्टोर में और डाउनलोड कर लीजिए। शुक्रिया।